टॉप थ्री बेस्ट चीपेस्ट एमोलेड डिस्प्ले मोबाइल इन इंडिया, जहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस 8000 रहने वाले हैं और 14000 के अंदर आपको मिलने वाले एमोलेड कर्व डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, सिर्फ 14000 के अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस लिस्ट की जो सबसे पहली डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों डिवाइस की नाम है इनफिनिक्स नोट 12i। ये डिवाइस जब लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस 10000 था, पर अभी ज्यादातर टाइम ये अंडर 7000 ही रहता है। यहाँ पे आपको 1000 या फिर 2000 का भी डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई भी ब्रांड एमोलेड डिस्प्ले नहीं दे रहा है, जो सिर्फ इनफिनिक्स की इस डिवाइस पे आपको मिलेगा। और दोस्तों डिस्प्ले पे आपको मिलने वाला है 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट विथ 1000 पीक ब्राइटनेस के साथ। तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इस डिस्प्ले पे। और दोस्तों वही भी बात करें इसकी कैमरा की, तो इसकी कैमरा भी काफी शानदार है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा, और उसके साथ साथ आपको एक AI लेंस भी मिल जाएगा। मेन कैमरा से आप 2K तक वीडियो को शूट कर सकते हो। और वही पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिससे भी आप 2K पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 5000 mAh का लार्ज बैटरी विथ 33W की फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों, अंडर 7000 पे कोई भी डिवाइस पे आपको 33W की फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगा, सिर्फ इस डिवाइस में आपको प्रोवाइड किया गया है। पर्सनली ये मोबाइल मेरा फेवरेट है फीचर की वजह से। और दोस्तों बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 4GB रैम एंड 64GB रोम। वही पे बात करें प्रोसेसर की, तो मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर मिलेगा, जो बजट के हिसाब से काफी शानदार सा प्रोसेसर है। और दोस्तों बात करें इसकी नॉर्मल प्राइस की, तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी नॉर्मल प्राइस 8499 रुपीज है, पर दोस्तों ज्यादातर टाइम यहाँ पे आपको मैसिव डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे 1600 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, और इसकी प्राइस 6890 रुपीज है। तो इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल है, ठीक है। तो आपको अगर एक 4G डिवाइस चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे, तो इसके साथ जा सकते। ये डिवाइस है आईटेल की तरफ से, आईटेल S23 प्लस। तो सबसे पहले इसकी लुक एंड डिजाइन की बात करें, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक मिल जाएगा प्लास्टिक फ्रेम के साथ। डिवाइस की वेट है 178 ग्राम, तो ये डिवाइस काफी हल्का है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 7.9 mm का स्लिम थिकनेस मिल जाएगा, तो डिवाइस काफी स्लिम और हल्का है। इन हैंड फील काफी अच्छा दिखा। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा विद LED लाइट। डिवाइस पे आपको 2 कलर वेरिएंट मिलेगा, जो काफी प्यारा है। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके हाइलाइटेड फीचर इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड 3D कर्व डिस्प्ले। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एमोलेड के साथ साथ कर्व डिस्प्ले भी मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफी तगड़ी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाले। और दोस्तों उसके साथ साथ इस डिस्प्ले पे आपको 500 nit पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया, तो आउटडोर पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस डिवाइस पे आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है, तो प्रोटेक्शन काफी जरूरी है। तो इस डिवाइस पे प्रोटेक्शन पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दिया गया, जो काफी अच्छी बात है। इस मोबाइल पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही देख सकते हो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो दोस्तों ये तो गया इसकी डिस्प्ले। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जब मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, उसके साथ साथ 0.08 मेगापिक्सल का एक AI लेंस भी मिल जाएगा। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है, जो काफी अच्छी बात है। सेल्फी कैमरा से भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला इनफिनिक्स की T616 चिपसेट, जो 4G है। मतलब दोस्तों ये डिवाइस 4G के साथ आने वाला है, यहाँ पे आपको 5G नहीं मिलेगा। वहीं पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलेगा, 4GB 128GB 8GB 256GB। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 18W फास्ट चार्जिंग।
बात करें इस डिवाइस की सिक्योरिटी की तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है जो काफी अच्छी बात है। इस डिवाइस पे आपको 3.5 mm जैक नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ ये डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 13 और आईटेल ओएस 13 पर। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी जो बेस ब्रांड है उसकी प्राइस करंट टाइम में 14,000 है, पर कोई भी सेल वगैरह आता है तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस अंडर 13,000 आ जाते हैं। तो मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट एक प्रीमियम डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस है आईक्यू की तरफ से IQ G7S 5G। इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट 5G स्मार्टफोन है। तो बिना टाइम वेस्ट करके एक-एक इसके सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे मिलने वाला है 6.38 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है इस प्राइस पॉइंट पे। और दोस्तों ये एमोलेड डिस्प्ले है तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पे आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट मिलेगा, 1300 नीट पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। और दोस्तों बात करें कैमरा की तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिल जाएगा, जहाँ पे मेन कैमरा 64 MP का होगा विथ OIS। हाँ दोस्तों, OIS की सपोर्ट भी दिया गया है। तो मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको 16 MP का एक सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट मिल जाएगा, जो 6nm पे बेस है। और ये एक 5G चिपसेट है जिसके एंटूसु स्कोर 4 लाख से भी ज्यादा है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ी होने वाला है। तो आप अगर गेमिंग के लिए भी इस डिवाइस को लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। वहीं पे बात करें रैम रोम की तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिल जाएगा। बेस वेरिएंट 6GB प्लस 128GB होगा। वहीं पे आपको हायर वेरिएंट पे 8GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें बैटरी की तो यहाँ पे आपको 4500mAh का बैटरी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 44W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दिया गया है, जिसकी मदद से 1 to 50% चार्ज सिर्फ 24 मिनट पे हो जाएगा। और दोस्तों सिक्योरिटी पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको IP54 की डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी मिल जाता है। डिवाइस काफी हल्का है, सिर्फ 172 ग्राम इसकी वेट है। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर, जैसे ही देख सकते हो फीचर आपको काफी तगड़े मिलने वाले। तो आप अगर ढूंढ रहे हो एक कैमरा सेंट्रिक मोबाइल या फिर गेमिंग मोबाइल या फिर एक ऑलराउंडर मोबाइल, तो इसके साथ जरूर जा सकते हो। यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाते हैं, वॉइस की सपोर्ट भी मिल जाते, काफी अच्छे परफॉर्मेंस भी मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है अंडर 15,000 पे वन ऑफ द बेस्ट एक डिवाइस है, तो आप इस डिवाइस को जरूर ले सकते हो। तो बात करें इसकी प्राइस की तो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट की प्राइस 14,999 मतलब 15,000 है। वहीं पे 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट की प्राइस 16,000 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाइक कर सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए।